वो पैकेज ये है, हम आपका डाइवर्स कराएंगे, हम आपका खुला कराएंगे, हम आपके लिए कोर्ट जाएंगे, डीवी एक्ट डालेंगे, मेंटेनेंस डालेंगे, पूरा कोर्ट भी देख लेंगे, पुलिस स्टेशन भी देख लेंगे करके 1,00,000 रुपये उनसे लेकर इस तरह के दुकानें चला रहे हैं। आज स्लम जन आंदोलन की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया था सुवर्ण भवन में। ये प्रोग्राम में कई सारे औरतें, हर कम्युनिटी की औरतें यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पर वुमेन की लीडरशिप के बारे में बात की जा रही थी। तो वुमेन की लीडरशिप जब भी आती है, जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं, जब हम कुछ चीज़ को लीड लेते हैं, सिर्फ घरों के हद तक महदूद रहने से वुमेन की लीडरशिप नहीं आती। तो लीडरशिप का मतलब होता है कि हम बाहर जाएँ और जो भी गरीब अवाम है, जो भी परेशान औरतें हैं, उनके लिए हम लड़ें, उनके लिए क्या एक्चुअली राइट है उसके लिए हम फाइट करें। ये वुमेन की लीडरशिप होती है। और कुछ लोग हमारे गुलबर्गा शहर में वुमेन लीडरशिप के नाम पर, सोशल सर्विस के नाम पर कुछ खवातीन एरियो में, गलियों में एक दुकानें खोल के बैठे हैं, जहाँ पर वो एक फैमिली पैकेज जैसे बनाते हैं ना, पैकेज बनाए हुए हैं वो लोग भी। वो पैकेज ये है, हम आपका डाइवर्स कराएंगे, हम आपका खुला कराएंगे, हम आपके लिए कोर्ट जाएंगे, डीवी एक्ट डालेंगे, मेंटेनेंस डालेंगे, पूरा कोर्ट भी देख लेंगे, पुलिस स्टेशन भी देख लेंगे करके 1,00,000 रुपये उनसे लेकर इस तरह की दुकानें चला रहे हैं। तो मैं जो भी ये दुकानें चला रहे हैं, जो भी आवाज़ मेरी जा रही है गुलबर्गा शहर में, मैं हर एक अफराद से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस तरह के जहाँ पर भी घटनाएं हो रहे हैं, आप फौरी तौर पर लीगल उनके ऊपर एक्शन ले। क्योंकि कुछ लोगों को इल्म ना होने की वजह से, लीगल अवेयरनेस ना होने की वजह से, इस तरह की घटिया हरकत करके उस मासूम औरतों को मजबूरन उन्हें फोर्स करके, उन्हें संगों में बिठा के, उनसे पैसे लेकर, उन्हें खुला करा के उनके शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह के हादसे से बचिए। और अगर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फौरी तौर पर, आपके लिए महिला पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर आप जाकर केस कर सकते हैं, या नहीं तो वुमेन की हेल्पलाइन है, उस पर भी आप फ़ोन करके, कॉल करके बता सकते हैं। मैडम, आजकल छोटी मोटी बातों पर भी, घर में जो छोटी मोटी बातें होती है, तो उसके लिए हम जो लेडीज पोजिशन को जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करते हैं? देखिए, सपोर्ट कर रहे हैं आजकल जी, आजकल के पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है अपने बच्चों में। शादी होती एक विदिन 6 मंथ के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ़ोन भी हो सकता है। फ़ोन की वजह से एक शादीशुदा जोड़ा वहाँ पर ख़राब हो रहा है। फ़ोन की वजह से बेटियाँ अपनी माएँ को, पेरेंट्स को कुछ बातें शेयर करती हैं जो नहीं करनी चाहिए। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को जी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा इशू होकर वो बात सिर्फ रिश्ते तोड़ने पर आ रही है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, ताकि रिश्ते महफूज रह सके। कुछ ही दिनों में रिश्ते बहुत आसानी के साथ टूट रहे हैं। हम लोग हमारा शरीयत कहता है इस निकाह को आसान करें, लेकिन यह निकाह आसान नहीं हो रहा है, खुला आसान हो रहा है, तलाक आसान हो रहा है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर गरीब है वहाँ पर ये ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो लोगों में नॉलेज नहीं है, वो लोगों में इल्म नहीं है, उन लोगों के पास कुछ भी अवेयरनेस नहीं रहता। तो कुछ लोग ऐसे इस तरह की दुकानें खोलकर उनके माइंड डाइवर्ट करके, उन लोगों के पास से पैसे लेके, उनको फोर्सिबली संगों में बिठाकर उनके पास से इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। जो बच्ची की माँ सपोर्ट कर रही है, तो उनके बारे में क्या मैसेज? देखिए, अब वो तो लोग कुछ बोले तो अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट वुमेन